ये शब्द आप लोग हमेशा सुनते रहते होंगे चर्चा में, रिफ्रिजरेंट्स और एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर तो मुझे लगता है एसी जिसे कहते हैं आप लोग, ये तो आजकल दैनिक जीवनचर्या में आपकी हर जगह देखने को मिलता है। तो ये आपके आपका आखिर चर्चा में क्यों है और होता क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे और भी इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उसे भी देख लेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। रेफ्रिजरेंट्स और एयर कंडीशनर, हाल ही में भारत सरकार ने रेफ्रिजरेंट्स के साथ एयर कंडीशनर यानी कि एसी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयात कहने का मतलब होता है कि हम खरीद रहे हैं, जैसे आप कोई सामान बेच रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वो निर्यात कर रहे हैं, और जो खरीद रहा होगा उसे वो क्या कहेगा, उसे आयात कहेगा। ठीक है, जैसे हम चाइना से फोन खरीद रहे हैं तो उसे हम लोग क्या करेंगे, आयात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, भारत सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि रेफ्रिजरेंट्स के साथ एयर कंडीशनर के आयात को लेकर नीति संशोधित की गई है। इसके तहत इसे मुक्त श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधात्मक सूची में डाला गया है। सरकार ने यह कदम घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और गैर जरूरी सामान के आयात में कमी लाने के इरादे से उठाया गया है। इससे पूर्व जून 2020 में भारत सरकार ने कार, बस और मोटरसाइकिल में उपयोग होने वाले नए न्यूमेटिक टायर के आयात पर प्रतिबंध लगाया था। आप लोग आजकल सुन भी तो रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो एक तरह से उसी पहल का एक हिस्सा का आप कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, कि भारत में जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। एसी की पहचान घरेलू विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संभावित वस्तुओं की रूप में की गई है, क्योंकि इसका बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। इसका घरेलू बाजार 5 से 6 बिलियन डॉलर का है। अलग अलग सेगमेंट के आधार पर 85 से 100% पुर्जों का आयात किया जाता है। इसका बाजार लगभग 2 बिलियन डॉलर का है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या होता है आखिर एयर कंडीशनर। साधारण शब्दों में कहा जाए तो एयर कंडीशनर एक ऐसा उपकरण होता है जो कमरे की गर्म हवा को ठंडी हवा में बदल देता है। इसके साथ ही एयर कंडीशनर कमरे की हवा से नमी के साथ साथ हवा को भी फिल्टर करता है। तो ये काम होता है आपका एसी का। आप लोग वैसे भी जानते होंगे कि एसी किस लिए उपयोग करते हैं आप लोग। क्या होता है रेफ्रिजरेंट का काम? रेफ्रिजरेंट एक ऐसा यौगिक है जो आमतौर पर द्रव या गैसीय अवस्था में पाया जाता है। रेफ्रिजरेंट आसानी से पर्यावरण से गर्मी को अवशोषित करता है। एयर कंडीशनर में यह कंप्रेसर्स और वाष्पीकरण जैसे अन्य उपकरणों के साथ संयुक्त होकर प्रशीतन या फिर एयर कंडीशनिंग कंडीशनिंग प्रदान करता है। अगर हम रेफ्रिजरेंट के प्रकारों की बात करें, टाइप की बात करें, एयर कंडीशनर समेत अन्य कूलिंग उपकरणों में बरसों से एयर कंडीशनिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख रेफ्रिजरेंट तत्व निम्न है। कौन कौन से हैं? R12 सहित क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये भी तो आप सुनते रहते हैं, ओजोन परत के लिए काफी हानिकारक भी है। शुरुआती दौर में एयर कंडीशनर समेत अन्य कूलिंग उपकरणों में इसका प्रयोग होता था। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में अत्यधिक योगदान करने के कारण 1994 से इसके नए स्टॉक के उत्पादन पर रोक लगा दी गई। फिर आपका R22 सहित हाइड्रोक्लोरो फ्लोरोकार्बन SCFC, यह वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख रेफ्रिजरेंट में शामिल है। हालांकि यह R12 की तुलना में थोड़ा कम हानिकारक है। R22 को भी 2020 तक पूरी तरह से समाप्त नए स्टॉक के उत्पादन को समाप्त कर दिया जाएगा। फिर आपका R410A और R134 सहित हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जिसे आप लोग SCHFC के नाम से भी जानते हैं। इन गैसों के मिश्रण में क्लोरीन नहीं पाए जाने के कारण पर्यावरण के लिहाज से यह अधिक सुरक्षित है, और अब इसका उपयोग R22 के स्थान पर किया जा रहा है। R410A पर चलने वाले एयर कंडीशनर अधिक कुशल हैं, बेहतर वायु गुणवत्ता प्रदान करते हैं, और इसके साथ ही इससे होने वाला पर्यावरण नुकसान भी आपको कम देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि पर्यावरण की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे खतरनाक R12 सहित क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। उसके बाद दूसरे नंबर पर मतलब कम हानिकारक देखा जाए तो R22, फिर आप देखे जाए कम सबसे कम तो R410 ये देखने को मिलेगा। अगर हम रेफ्रिजरेंट के दुष्परिणाम की बात करें तो
तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन या फिर सीएफसी के रूप में रेफ्रिजरेंट ओजोन परत की क्षरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। क्लोरो फ्लोरो कार्बन साबुन सॉल्वेंट्स स्प्रे एरोसोल रेफ्रिजरेटर इत्यादि में भी प्रयोग होता है। आप लोग कहते हैं कि ओजोन परत से क्या मतलब है, तो आप समझिए कि ओजोन परत एक तरह से आप समझिए कि आटा वाली छन्नी ले लीजिए आप लोग जिसे छानते हैं, या चाय वाली छन्नी ले लीजिए आप लोग। तो आप लोग किस लिए छन्नी लगाते हैं, मत छानिए ना, आप लोग चाय ऐसे ही पी जाइए, क्या फर्क पड़ता। तो एक तरह से जो एक तरह से आप समझिए कि जो खराबियां हैं, जो भी उसमें आप चाय की पत्ती हो गई या अदरक आप डाल रहे हैं और भी जो मटेरियल है उसे अलग कर दिए, जो आपके उपयोग के लिए हो वही आपको निकाल के देती है वो आपकी छन्नी। तो इसी तरह आप कहिए ओजोन परत है, जो भी हानिकारक किरणें निकलती हैं सूर्य से तो उन्हें रोक देता है और आप तक बाकी सूर्य का जो आपके लिए उपयोग है उसे भेज देता है। अगर ओजोन परत ना हो तो आप समझिए कि चाय में जिस तरह से सब कुछ मिलके आपके गिलास में आ जाएगा उसी तरह आपके शरीर पर पड़ेगा और कई तरह के कैंसर भी आपको देखने को मिलते हैं इससे। आमतौर पर रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में इस्तेमाल होने वाले गैसों से ओजोन की परत को गंभीर नुकसान पहुंचता है, जिसे ओजोन क्षरण के नाम से भी आप लोग जाना जाता है। ओजोन परत में हो रहे क्षरण के लिए क्लोरो फ्लोरो कार्बन गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके अलावा हेलोजन मिथाइल क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि रासायनिक पदार्थ भी ओजोन को नष्ट करने में योगदान दे रहे हैं। वैश्विक तापमान वृद्धि के लिए प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में क्लोरो फ्लोरो कार्बन को भी रखा जाता है, क्योंकि यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है जिससे वातावरण के तापमान में वृद्धि होती है। ओजोन परत के नुकसान पहुंचने पर मानव जीवन एवं वातावरण गंभीर रूप से प्रभावित भी होता है। अब आप देख लीजिए क्या होता है, ओजोन परत के बारे में भी जान लीजिए। ओजोन जिसे आप लोग O3 के नाम से भी जानते हैं, का एक अणु ऑक्सीजन के तीन अणुओं के जुड़ने से बनता है। इसका रंग हल्का नीला होता है, इससे एक विशेष प्रकार की तेज गंध आती है। ओजोन गैस समताप मंडल में अत्यधिक पतली एवं पारदर्शी परत के रूप में भी पाई जाती है। कई बार आप लोग पेपर उठा के देखिए आपको मालूम चल जाएगा कि कई बार पूछ लेता है कि ओजोन गैस है जो परत है ये कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिए समताप मंडल में या वायुमंडल में मौजूद समस्त ओजोन का कुल 90% है। इसे अच्छा ओजोन माना जाता है। ओजोन परत धरती के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य भी करती है, क्योंकि यह ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से धरती पर मानव जीवन की रक्षा भी करती है। सूरज से आने वाली ये पराबैंगनी किरणें मानव शरीर की कोशिकाओं की सहन शक्ति के बाहर होती हैं। ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव की अगर बात करें हम लोग, तो समुद्री पारितंत्र पर प्रभाव यूवी बी विकिरण की अधिक मात्रा फाइटोप्लैंकटन के उत्पादन में कमी लाती है। फाइटोप्लैंकटन जलीय आहार श्रृंखला के आधार पर निर्माण करते हैं, अतः यह मछली सिम्स केकड़ा जैसे जानवरों का विकास प्रभावित भी करती है। अगर हम वनस्पति पर प्रभाव की बात करें तो यूवी बी विकिरण से शारीरिक एवं जैवीय क्रिया प्रभावित होती है। पौधों के आकार में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, पौधों के पोषक तत्वों के वितरण में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, पौधों के तैयार होने में लगने वाले समय में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ फसल उत्पादन में कमी और बीजों में क्षति, फसल गुणवत्ता में कमी और पत्तियों की क्षति जैसी प्रभाव सामने आते हैं। मानव स्वास्थ्य की बात करें, अगर मानव पर क्या स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यूवी बी विकिरण की अधिक मात्रा में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में तापमान में वृद्धि होगी, जिसे मेलेनोमा त्वचा कैंसर में वृद्धि होती होगी। इससे श्वसन तंत्र पर भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। साथ ही फसलों एवं जलीय आहार के प्रभावित होने से मानव के लिए खाद्य संकट भी उत्पन्न हो सकता है। यूवी बी विकिरण अनुवांशिक पदार्थ डीएनए को प्रभावित करता है, जिससे तीन उत्परिवर्तन तथा आनुवांशिक दोष उत्पन्न हो सकते हैं। त्वचा कैंसर में वृद्धि हो सकती है, मोतियाबिंद एवं अन्य दोष, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होना, ये सभी इसके कारण हो सकते हैं। जैव भू रासायनिक तंत्र पर प्रभाव की बात करें अगर हम लोग, तो पराबैंगनी किरणों में वृद्धि से स्थलीय एवं जलीय जैव भू रासायनिक तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे दोनों स्रोतों में परिवर्तन होता है एवं ग्रीन हाउस गैसों में के भंडार गृह भी प्रभावित होते हैं। इन सब के कारण जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाओं में वृद्धि भी होती है। तो ये है आपकी ओजोन परत भी देख ली आप लोगों ने, ठीक है, और एयर कंडीशनर के बारे में भी जान लिया है, रेफ्रिजरेटर या रेफ्रिजरेंट्स के बारे में भी आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। ये वैसे भी आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो या ना हो, लेकिन आपके दैनिक जीवनचर्या के लिए भी जरूरी है।
कई बार आपसे इंटरव्यू में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो वैसे भी प्रीलिम्स में देखिए आप लोग देखने को मिलते रहते हैं, मेंस में भी आपको देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जानकारी मुझे लगता है जानकार होना चाहिए आपको।